तारीख थी 4 मार्च 2023। चांद पर एक रॉकेट बूस्टर तेजी से जा टकराया। इससे वहां बहुत ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे चंद्रमा पर दो बड़े क्रिकेटर भी बन चुके हैं। क्रेटर किसी बड़े उल्कापिंड द्वारा किसी ग्रह पर टकराने से बनने वाले गड्ढों को कहते हैं। अब इस घटना के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी समीक्षा करने में लग गए। वैज्ञानिकों की इस रॉकेट बूस्टर पर नजर साल 2015 से ही थी। खास बात यह थी कि दुनिया का कोई भी देश इस बूस्टर को अपना नहीं मान रहा था। वर्तमान समय में कई देशों की कंपनियां अपने उपग्रह चोरी छिपे अंतरिक्ष में भेज रही हैं। इनका चोरी छिपे उपग्रह भेजने का मकसद ये है दोस्तों, ताकि इन्हें अपनी सरकार को किसी तरह का सर्विस टैक्स न देना पड़ जाए। ऐसे में जो रॉकेट बूस्टर चांद से 4 मार्च को टकराया, वो भी किसी निजी कंपनी का रहा होगा, या फिर ये किसी देश की साजिश थी। आज हम इस पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या था पूरा मामला। हम इंसान लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। हमारा एक ही मकसद होता है, सामने वाले को आगे न निकलने देना। फिर वो हमारा पड़ोसी हो या फिर कोई दूसरा देशी क्यों ना हो, या फिर हमारे परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। कुछ ऐसी ही होड़ अब अंतरिक्ष में भी मच गई है, जहां सभी देश अंतरिक्ष अन्वेषण में अपना नाम सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। इसके लिए वे लगातार अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रह भेजते जा रहे हैं। जब किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकाला जाता है, तब उसके लिए रॉकेट की जरूरत पड़ती है। रॉकेट के साथ तब कोई रॉकेट बूस्टर भी प्रयोग में लाया जाता है, जो कि सैटेलाइट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त बल प्रदान करता है। इसके बाद जब रॉकेट बूस्टर का काम खत्म हो जाता है, तब ये प्रमुख रॉकेट से अलग हो जाते हैं और कचरा बनकर अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। फिर बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से खींचते हुए वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। वैज्ञानिक जब किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज रहे होते हैं, तब वे सटीक गणना करते हैं रॉकेट के बूस्टर वापस पृथ्वी पर ही आकर गिरे। पृथ्वी पर गिरते समय बूस्टर पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण करते हुए नष्ट हो जाते हैं। लेकिन गणना में गड़बड़ हो जाए तो फिर कई बार रॉकेट बूस्टर वापस ही नहीं आता। ऐसे में बूस्टर पृथ्वी पर गिरते नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में कचरा बनकर घूमने लग जाते हैं। वैसे दोस्तों, दुनिया भर की कई एजेंसियां पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाले इन टुकड़ों पर नजर बनाए रखती हैं, क्योंकि अगर ये टुकड़े किसी मानव निर्मित चीज से टकराने वाले हैं, तो पहले ही इसकी सारी जानकारी जुटाई जा सके। जो रॉकेट बूस्टर चंद्रमा से टकराया है, उसका नाम WE0913A रखा गया है। जब किसी भी देश ने इसे अपना नहीं माना, तो इसकी जांच की गई, क्योंकि ऐसी ज्यादा संभावना थी कि इस रॉकेट बूस्टर का प्रयोग किसी बड़े उपग्रह को स्थापित करने में हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस गुप्त उपग्रह को किसी अन्य देश पर जासूसी करने के मकसद से भी भेजा गया हो। हाँ, यह और बात है कि इस तरह के किसी गुप्त उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करना आसान काम नहीं है, क्योंकि आज के आधुनिक रडार दुनिया में हुए किसी भी रॉकेट लॉन्च को पकड़ लेते हैं। साल 1950 के दशक में जब अमेरिका और रूस के बीच युद्ध चल रहा था, तब दोनों देश भी इस बात को लेकर एक दूसरे से डरे हुए थे कहीं कोई देश परमाणु मिसाइल लॉन्च न करते। इसलिए तब दोनों देशों ने उन्नत किस्म के रडार विकसित किए, ताकि किसी भी तरह की लंबी मिसाइल छोड़ी जाते ही उसकी जानकारी हासिल की जा सके। अब रूस ने 1951 में पहला अंतरिक्षयान स्पूतनिक भेजा। जब अमेरिकी एजेंसी ने अपने रडार से इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, वहीं वर्तमान रडार तो और भी ज्यादा विकसित और एडवांस हैं, जो किसी भी तरह के रॉकेट लॉन्च को पकड़ सकते हैं। साथ ही इंटरनेट के इस युग में हर बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन जब चंद्रमा पर क्रैश होने वाले रॉकेट बूस्टर को किसी भी देश ने अपना नहीं माना, तब वैज्ञानिकों ने इसकी शुरुआती स्थान का पता लगाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने साल 2015 से लेकर 2023 तक इस रॉकेट बूस्टर के ट्रेजेक्टरी पाथ का अध्ययन शुरू किया। ट्रेजेक्टरी पाथ उसे कहते हैं जिस पर कोई भी अंतरिक्ष पिंड आगे बढ़ता है। इस पर आगे बढ़ने के माध्यम से यह भी जाना जा सकता है कि इस अंतरिक्ष पिंड का उद्गम स्थल कहां होगा। ट्रेजेक्टरी पाथ के शुरुआती अध्ययनों से चंद्रमा से टकराने वाले उस बूस्टर रॉकेट को स्पेसएक्स रॉकेट का हिस्सा माना गया। लेकिन जब गणना अपने अंतिम चरण में पहुंची, तो पता चला कि रॉकेट बूस्टर चाइना के रॉकेट चांग 5T1 का हिस्सा है। ट्रेजेक्टरी पाथ के अध्ययन से यह साफ हो गया कि रहस्यमय रॉकेट बूस्टर उसी दिन अंतरिक्ष में पहली बार गया था जब चाइना का रॉकेट चेंज 5T लॉन्च हुआ था। इसके अलावा अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय रॉकेट बूस्टर के रिफ्लेक्टिव पेंट का अध्ययन भी अपने रैप्टर टेलीस्कोप से सबूत के तौर पर किया। रैप्टर टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा पेंट से परावर्तित होने वाले प्रकाश का अध्ययन करता है।
इस टेलीस्कोप की गणना के नतीजे ये इशारा कर रहे थे कि रॉकेट बूस्टर चाइना द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले रॉकेट चांग 5T1 का हिस्सा था। इन सबूतों के दम पर दुनिया भर के 90% वैज्ञानिकों का यही मानना था कि चंद्रमा से टकराने वाले इस रॉकेट बूस्टर को चाइना द्वारा ही छोड़ा गया था, लेकिन चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि रॉकेट बूस्टर उनका नहीं है। उनके अनुसार उनका रॉकेट बूस्टर तो पृथ्वी की तरफ वापस आ गया था और पृथ्वी के वातावरण में जलकर नष्ट भी हो गया था। हालांकि चाइना के खिलाफ इतने पक्के सबूत थे, फिर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहा था। दरअसल इसके पीछे एक वजह थी और वो है अंतरिक्ष के कानून। साल 1963 से लेकर दुनिया भर के कई देशों ने अंतरिक्ष को लेकर कई संधियां की हैं और कई सारे कानून बनाए हैं, जिससे अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में फंस जाता है तो सभी देश उस अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने का मिलजुल कर प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक अंतरिक्ष संधि ये भी है कि पृथ्वी से बाहर किसी भी ग्रह और उपग्रह को हम इंसान शांति और अध्ययन के लिए ही प्रयोग में लाएंगे। हम कभी भी इन ग्रहों का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे और इस संधि के अनुसार कोई देश अपने परमाणु हथियार अंतरिक्ष में नहीं रख सकता है। अगर ये संधि नहीं होती तो अमेरिका और रूस अपने उपग्रहों पर परमाणु हथियार लगाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर चुके होते और समय आने पर उनसे दुनिया के किसी भी कोने पर हमला कर देते। एक और अंतरिक्ष संधि के अनुसार अगर अंतरिक्ष में चंद्रमा या किसी भी ग्रह पर किसी भी तरह का कोई नुकसान कोई देश करता है तो उस देश को अपने द्वारा किए गए नुकसान का हर्जाना भी भरना पड़ेगा। और शायद यही वजह रही होगी कि चाइना चंद्रमा पर क्रैश होने वाले अपने बूस्टर को अपना नहीं मान रहा था, क्योंकि अगर चाइना मान लेता तो ये बूस्टर उसका है तो उसको भारी हर्जाना भी भरना पड़ता। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि चंद्रमा तो एक बंजर और बेजान जगह है, फिर यहां अगर एक बूस्टर गिर गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। तो दोस्तों, बात यहां नुकसान की नहीं है बल्कि लापरवाही की है, क्योंकि अगर यही रॉकेट बूस्टर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे मौसम संबंधी जानकारी जुटाने वाले किसी उपग्रह के साथ टकरा गया होता कितना बड़ा नुकसान होता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में हम चंद्रमा पर अपने किसी तरह का बेस बनाएं और ऐसा कोई रॉकेट बूस्टर चंद्रमा से टकरा कर हमारे उस बेस को ही नष्ट कर दे। या हो सकता है कि अंतरिक्ष में घूमने वाले ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी टकरा जाए। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कितना भारी और कितना बड़ा नुकसान होगा। अंतरिक्ष के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और चाइना द्वारा इस तरह की लापरवाही किया जाना साफ तौर पर अंतरिक्ष कानूनों का उल्लंघन है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें आने वाले समय में और कड़े अंतरिक्ष कानून बनाने चाहिए, क्योंकि आज ऐसे कानून का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है उदाहरण के लिए 1963 की बाहरी अंतरिक्ष संधि, जिस पर 117 देशों ने साइन किए थे, उसके अनुसार बाहरी अंतरिक्ष किसी एक देश की संपत्ति नहीं है और न ही कोई भी देश बाहरी अंतरिक्ष पर कब्जे का दावा कर सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी आज अनेकों देश चंद्रमा पर माइनिंग करने और कीमती धातु को निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का विचार कर रहे हैं। वहीं अंतरिक्ष संधि के अनुसार कोई भी देश अंतरिक्ष में ऐसे हथियार नहीं रख सकता जिनसे तबाही हो, लेकिन साल 2003 में अमेरिका ने 20 फीट लंबी एक धातु की रोड जिसके पीछे थ्रस्टल इंजन लगाया गया था उसे बाहरी अंतरिक्ष में रखने की बात कही थी। ये रोड कोई परमाणु हथियार नहीं था, इसलिए इस पर अंतरिक्ष का कानून भी लागू नहीं हुआ था, जबकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली इस रोड को अमेरिका जब चाहे जिस देश पर चाहे गिरा सकता था। हालांकि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पर खर्च बहुत आता है, इसलिए अमेरिका ने बीच में ही इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था, लेकिन आने वाले समय में अमेरिका इस तरह के प्रोजेक्ट फिर बनाना शुरू कर देगा। आज हर कंपनी अपने अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रही है, तो क्या आप इसको सही मानते हैं या फिर ये सब एक कानून के तहत होना चाहिए और हर वो चीज जो रिसर्च या फिर मानव के उत्थान के लिए शुरू की गई हो उसी को अंतरिक्ष में जाना चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष टूरिज्म को बंद कर देना चाहिए। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।